मकर संक्रांति का जो दिवस है वो कोई साधारण नहीं। आप लोग दान करते हो मकर संक्रांति में? कितनी चीजें दान करते हो? और सुहागन माताओं को देते हो ना? क्या देते हो? कितने देते हो? 13-14 कितने हैं? 14। कौन से पुराण में लिखा है कि 14 चीज देना चाहिए? अरे बोलते जाओ जरा जल्दी जल्दी, बड़ी मुश्किल से तो पकड़ाई में आते हो तुम शिवरी नारायण वालों। 14 चीजें दान देना है। किस पुराण में लिखा है कोई तुमसे पूछ सकता है? तो महाराज आप कह सकते हो अग्नि पुराण में वर्णन आता है। कौन से पुराण में लिखा है? अग्नि पुराण में लिखा। देव ऋषि नारद भगवान विष्णु के पास जाकर पूछते हैं, नारायण कृपा करिए। भगवान विष्णु ने पूछा क्या बात है? बोलिए देव ऋषि नारद क्या चाहते? चाहते क्या वो बताओ। महाराज हमें इतना सा बता दो, शिव जी के यहां जाते हैं तो पहले उनके द्वारपाल से पूछना पड़ता है अंदर जाने के लिए, ब्रह्मा जी के यहां जाते हैं तो ब्रह्मा जी के द्वारपाल से पूछना पड़ता है, इंद्र के यहां जाते हैं तो इंद्र के द्वारपाल से पूछना पड़ता है। हम जितनी भी जगह जाते हैं तो कोई ना कोई द्वारपाल से हमें पूछना पड़ता है अंदर जाने के। भगवान देवऋषि नारद कह रहे हैं नारायण से कुछ ऐसी कृपा कर दो कि हमें किसी से आज्ञा लेना ही नहीं पड़े। भगवान विष्णु तो उनकी बात को बस थोड़ा सा सुने और अंदर चले गए। नारद जी को लगा हमारा तो कोई जवाब ही नहीं दिया। नारद जी वहीं पर टिक गए, खड़े रहे, नाम जाप करते। विष्णु वापिस आए और देवऋषि नारद से कहा एक काम करो, जब सूर्य मकर में प्रवेश करते हुए उत्तरायण की ओर जावे उस घड़ी उस पल में देवऋषि नारद तुम 14 बार भगवान के नाम का शिव नाम का दान दे दीजिए, भगवान नारायण के नाम का राम नाम का कृष्ण नाम का दान दे दीजिए। अब देखो यहां पर यह नहीं लिखा कि प्लास्टिक का डब्बा दो, समझ लेना जी जी हो अच्छे से कि लोगों ने दान को कितना भ्रष्ट कर दिया वो बताया जा रहा है। अग्नि पुराण में यह नहीं लिखा कि तुम प्लास्टिक की चाय की चन्नी दो, 14 बाल्टी दो, 14 या प्लास्टिक का डब्बा दो, 14 है यहां पर यह नहीं लिखा है कुछ भी। हो यहां क्या लिखा अग्नि पुराण में कि मकर संक्रांति के दिन जब सूर्य उत्तरायण भाव में प्रवेश करे मकर में जावे उस समय पर देवऋषि नारद तुम्हारे मुख से अगर 14 बार भगवान के नाम का दान 14 जीवों को दे आओगे तो किसी भी देवता के पास जाओगे तुम्हें परमिशन की जरूरत नहीं पड़ेगी, तुम डायरेक्ट प्रवेश कर जाओगे डायरेक्ट। अब तुमको अगर वैकुंठ में डायरेक्ट प्रवेश करना हो तो बिना पूछे तो उसके लिए कहा ही मकर संक्रांति पे दान दो, तो किस चीज का दान देना है हमारा? प्लास्टिक का डब्बा नहीं, बाल्टी नहीं, चन्नी नहीं। फिर किस चीज का नाम? तो कहा अगर देवर्षि नारद आप दान दे रहे हो तो 14 नाम का दान दीजिए, 14 जीवों को नाम का दान दे दो, भगवान के नाम का भजन करो। और अगर संसार के लोग दान दे तो किस चीज का? तो के अन्न से बड़ा कोई दान, अन्न से बड़ा कोई दान। अच्छा कई लोग कहते हैं कि सूर्य की उत्तरायण का क्रम है, ये क्रम है, ये पूजन का क्रम है, तिल्ली के लड्डू का क्रम है, हैं लड्डू बना लो तिल्ली का, इसका क्रम है। पर अगर स्कंद पुराण उठाओ तो स्कंद पुराण में अगर मकर संक्रांति के क्रम को यदि पढ़ोगे तो मालूम पड़ेगा कि पूरे वर्ष में एक दिन ऐसा था जिस दिन भगवान शिव और नारायण ये दोनों, इसलिए आज भी हिंदू धर्म में गुड़ के लड्डू तिल्ली के साथ मिलाते हैं। क्यों? उसका कारण कि शंकर और नारायण ये दोनों एक ही दिन एक ही पल गंगा का स्नान करने के लिए एक भगवान शिव। देखिए कितना कितना हमारे हिंदू धर्म में एक एक तिथि का एक एक बार का एक एक महत्व है, उसको समझिए।
माता लक्ष्मी भगवान नारायण और भगवान शिव को स्नान के लिए गुप्त रूप से झांकती है, तो भगवान विष्णु ने तिरछी दृष्टि में माता लक्ष्मी को देखा, तिरछी दृष्टि, तो माता लक्ष्मी को देखकर भगवान विष्णु शिव जी को देखे तो शंकर भगवान ने कहा, नारायण हमने देख लिया महारानी लक्ष्मी झांक रही है, हमने वर दे दिया कि लक्ष्मी का एक नाम गुप्त लक्ष्मी रहेगा, ये छुपी रहेगी, और आज मकर संक्रांति के दिन नारायण और शिव का दर्शन इस लक्ष्मी ने करा है, पर जो गुप्त लक्ष्मी का दान दे देगा उसके घर में कभी कोई बड़ी बीमारी प्रवेश नहीं करेगी, कैंसर जैसा रोग किडनी और लीवर का रोग नहीं हो सकता। आज भी नियम है कि मकर संक्रांति के दिन एक लड्डू बनाया जाता है गुड़ और तिल्ली का, उसमें एक का सिक्का, दो का सिक्का या कोई लक्ष्मी उसमें फंसा दी जाती है और लड्डू को पैक कर किसी मंदिर में दान दे दिया जाता है, उसको कहते हैं गुप्त लक्ष्मी, जिससे घर में कोई बड़ी बीमारी प्रवेश नहीं, वो केवल मकर संक्रांति को ही होता है। कहते हैं मकर संक्रांति है जिस समय पर कल सूर्य उत्तरायण आ जाए, और पहले दिन उत्तरायण के दिन ही जब संध्या का समय होता है, शाम का समय होता है, महाराज संध्या का जो समय होता है शाम का, अगर कोई बच्चा पलंग पर बाथरूम करता हो, गंदगी करता हो, सारी औषधि कर ली, दवाई कर ली, और या बच्चा रात्रि को उठकर चिड़चिड़ करता हो या रोता हो रात भर, महाराज उसके लिए, या माता के स्तनों में बच्चे को पिलाने के लिए दूध ना आता हो उसके लिए, या बच्चा रुदन करता हो या बच्चा गंदगी करता हो उसके लिए, कल शाम के समय पर प्रथम दिन में जब भगवान उत्तरायण आ रहे हैं मकर राशि के अंतर्गत, तो शाम के समय पर मकर संक्रांति के दिन गुड़ को पानी में मिलाकर शिवजी पर लेपन कर दो, उसी हाथ को बच्चे को मंदिर के बाहर चटा दो महाराज, फिर वो पलंग पर कभी गंदगी नहीं करेगा महाराज। जिस नारी का स्तन में दूध नहीं आता हो बच्चों को पिलाने के लिए, उसको भी अगर चटा दिया जाए तो स्तन में दूध आना प्रारंभ हो जाए महाराज। जो बच्चा रात्रि को रोता हो, जाग जाता हो, उसको भी अगर वो हाथ चटा दिया जाए तो वो काम करता है महाराज। ये कल के दिन करके देखना, बाद में बताना जरूर हो। शुगर वाले जीव, जिनकी शुगर ऊंची नीची हो रही हो, ज्यादा शुगर की परेशानी आ रही हो और इंजेक्शन लेना पड़ रहा हो, उनके लिए निवेदन है काली तिल्ली कल के लिए है ये खास तौर से, बाकी के शुगर के लिए तो उपाय और बाद में बता देंगे, पर कल के लिए जो करना चाह रहे, जिनकी शुगर लेवल में नहीं आ रही है, काली तिल्ली शंकर भगवान के शिवलिंग पर समर्पित कर दो, और उस काली तिल्ली को जब शिव जी पर चढ़ाए तो महाराज हाटकेश्वर महादेव का नाम लेना है। कौन से महादेव? हाटकेश्वर महादेव का नाम लेना है, और शंकर भगवान पर काली तिल्ली चढ़ाते जाना है, उसमें कंकर नहीं हो, सफेद तिल्ली का एक भी दाना नहीं हो, इसका ध्यान रखिए, उस काली तिल्ली को चढ़ा दीजिए, हाटकेश्वर महादेव का स्मरण कर किसी को जल ना चढ़ाने देना उस समय पर जब आप शंकर जी को चढ़ाएं, और भगवान शंकर की हाटकेश्वर महादेव का स्मरण कर 108 रुद्राक्ष से मनके से माला जप लो, वहीं शंकर चढ़ी रेंदन तिल्ली, उसी तिल्ली को वापिस कटोरी में उठा कर लिया, तीन दिन तक लगातार उसको थोड़ा थोड़ा कर सुबह के समय खाली पेट खाइए, शुगर लेवल पर आ जाएगी महाराज, आपकी शुगर हाई ऊंची नीची नहीं जाएगी, हाटकेश्वर महादेव का स्मरण। श्री आपको अगर ऐसा महसूस होता है कि किसी ने आपकी दुकान पर बंधन कर दिया, आपका व्यापार बंद दिया, चार दिन दुकान अच्छी चल रही है और चार दिन बंद हो रही है, तो महाराज सूर्य का उत्तरायण जो प्रवेश है मकर के अंतर्गत, वो दोपहर में लगभग लगभग 2:30 बजे के करीब में आए, 2:30 से 3 के करीब में आए, तो निवेदन करूंगा मैं आपको, आपको ऐसा लगता है कि आपका व्यापार अब चार दिन अच्छा चल रहा है, फिर गिर रहा है, फिर चल रहा है, फिर नीचे आ रहा है, तो जब मकर राशि के भीतर सूर्य प्रवेश करेगा 2:30 के लगभग में आएगा, शायद दोपहर में 2:30-3 बजे के करीब में प्रवेश करेगा, तो आपको ऐसा लगे या किसी की तबीयत थोड़े दिन अच्छी हो रही है, फिर गिर रहा है, फिर अच्छी हो रही है, फिर बेकार हो रही है, फिर अच्छी हो रही है, फिर बेकार हो रही, दवाई खा रहे हो नहीं लग रही,
तो आप जब मकर राशि में सूर्य प्रवेश करे, कल मकर संक्रांति के दिन उत्तरायण जब सूर्य के भाव प्रवेश करे महाराज, दोपहर में 2:30-3 बजे के करीब में प्रवेश कर जाएगा इतनी बजे, तो प्रयास करना थोड़ी सी काली तिल्ली लेना महाराज जी, उसमें एक बमूल का कांटा लेना, काली तिल बमूल का कांटा और किसी भी वृक्ष की 5 पत्तियां लेना महाराज, उसको लेकर अपने दुकान में व्यापार में या जिसको औषधि ना लग रही हो, जिसका स्वास्थ्य गड़बड़ हो रहा है महाराज, उसका स्पर्श कराकर या 21 बार उस पर से उतार कर, और उतारना क्या नाम लेकर है, अवधूतेश्वर महादेव। कौन सा महादेव है जम के बोलो जरा, अवधूतेश्वर महादेव। शिव जी का एक अवतार हुआ था अवधूत रूप शंकर, शंकर भगवान के उस क्रोध को, भगवान शिव के उस क्रोध को ब्रह्मा जी ने घोड़े का रूप दे दिया था और घोड़े को समुद्र में डाल दिया था, उस घोड़े से जलंधर हुआ था, फिर जलंधर का विवाह ब्रह्मा से हुआ था। अर्थात शास्त्र कहता है कि अवधूतेश्वर महादेव का जो रूप है वो रोग का निवारण करने के लिए, व्यापार की वृद्धि को आगे बढ़ाने के लिए। आप लोगों ने कहीं कहीं देखा होगा, किसी किसी के ऑफिस में देखा होगा कि वास्तु शास्त्री कहते हैं कि दौड़ते हुए घोड़े का फोटा लगा, सुना है कि नहीं सुना? अरे बोलो तो सुना है कि नहीं सुना? किसी वास्तु वाले के पास जाओगे ना तो वो कहेगा तुम्हारा ऑफिस अच्छा नहीं चल रहा ना, तो दौड़ते हुए घोड़े का फोटो लगा, जो घोड़े 4-5 घोड़े दौड़ रहे हैं उनका फोटो लगा, क्यों कहते हैं? उसका कारण क्या है? वास्तु शास्त्री ऐसा क्यों बताते हैं कि दौड़ते हुए घोड़े का फोटो? उसका शास्त्र प्रमाण शिव महापुराण करती है महाराज कि शिव का एक रूप अवधूतेश्वर है, जिसको ब्रह्मा जी ने घोड़े का रूप दे दिया और घोड़े का रूप देकर उसको समुद्र में डाल दिया, जिससे जलंधर की उत्पत्ति हुई। तो अगर मान लो अगर प्रॉब्लम चल रही है, व्यापार में दिक्कत आ रही है, व्यवसाय में तकलीफ आ रही है, या किसी ना किसी रूप में कोई ना कोई कष्ट आपको लग रहा है, तो अवधूतेश्वर महादेव का नाम लेकर काली तिल्ली वृक्ष की पत्ती और एक बमूल का कांटा लेकर, और आप दुकान में से उतार लो चाहे शरीर पर से उतार लो, उसको ले जाकर किसी भी चौराहे पर उसको पटक दीजिए। चौरस्ते पर नहीं डाल सकते तो बहते हुए पानी में डाल दीजिए, बहता हुआ पानी ना मिले तो पीपल के वृक्ष के नीचे डाल दीजिए, पर उसको मकर राशि के प्रविष्ट भाव में ही डालना। प्रविष्ट भाव हमारे हिंदू धर्म में जितने भी त्योहार आते हैं ना, ये त्योहार कोई साधारण नहीं होते, हमारे हिंदू धर्म में जितने भी त्योहार हैं ये कुछ ना कुछ हमें सुख का भान कराते, एक भी त्योहार ऐसा नहीं है हिंदू धर्म का जो कि खाली जाए, बस हम उससे दूर रहते हैं, हमें आता नहीं है, बस एक साधारण भाव में हमने त्योहार मना लिया, पर उसका महत्व हम समझते, उसको जाने कि उसकी महत्वता क्या। बस हृदय चित्त कोई किसी व्यक्ति ने मालूम पड़े कोई भूमि पर कब्जा कर लिया और नहीं छोड़ रहा, तो उसके लिए भी कल का दिन बड़ा महत्वपूर्ण है महाराज, उसके लिए भी कल का दिवस बड़ा महत्वपूर्ण है महाराज। मान लो अगर कोई कब्जा कर लिया हो और वो प्लाट या कोई दुकान कोई व्यापार की स्थान नहीं छोड़ रहा, तो उसके लिए भी कल का दिन शास्त्र कहता है महाराज जी शमी पत्र की 5 पत्तियां, कितनी पत्तियां लेना है? 5। शमी पत्र की 5 पत्ती, बेल पत्र की 11 पत्ती, मकर राशि में प्रवेश करते समय सूर्य का स्मरण करते हुए सूर्य पे से 7 बार घुमाकर भगवान शिव का नाम मंत्र लेते हुए, जो शिव महापुराण का मूल मंत्र है, श्री बोलिए जम के, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, शिव महापुराण के मूल मंत्र का स्मरण कर सूर्य पर से घुमाकर
शंकर भगवान के शिवलिंग पर जो समर्पित कर देता है और चढ़ी हुई एक बल पत्र शमी पत्र उस स्थान पर डाल देता है जो कब्जा नहीं छोड़ रहा, महाराज 6 महीने के अंदर वो कब्जा छोड़कर भागता नजर आता।